नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 15 में। आज हम वार्ड नंबर 15 की जनता से जानेंगे कि क्या क्या जन समस्याएं हैं जो उनको झेलनी पड़ती है उनके वार्ड में। और मैं आपको बता दूं, मैं पीछे देख सकते हैं आप मेरे, कि ये नाला जो है किस तरीके से भरा हुआ है, लबालब हो रखा है गंदगी से। ये किसी एंगल से नाला नहीं लग रहा है, देख सकते हैं तमाम कूड़ा कचरा इसमें पड़ा हुआ है, नाला जाम हुआ पड़ा है, गंदा पानी यहाँ बह रहा है। इसके कारण जो है बीमारियाँ पनपती हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं इसके अंदर। आइए जानते हैं एक बार यहाँ की जनता से कि क्या क्या समस्याएं होती हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना विकास कार्य हुआ है। कश्मीर जी, क्या क्या समस्याएं होती हैं? ये समस्या ये होती है, एक तो इसमें गैस बनी पड़ी है, कोई भी इसमें गिर जाता है तो इसमें बसता नहीं है। अच्छा। ये 10 फुट गहरा नाला है। अच्छा। हाँ, तो इसमें ना तो आते हैं नगर निगम वाले, आते हैं खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, देखो कितना गंदा पड़ा है, सारे का सारा यही हाल रहता है। सफाई का पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है? पानी भरने का एक साल हो गया। ये लाइटें पहले जलती थी, लाइट भी बंद हो पड़ी है। कब कब सफाई की जाती है? कभी नहीं, आज सफाई करने आते नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ 7 महीने हो शिकायत की जाती है, कोई सुनाई नहीं करता। हमारे शायद नाम है, क्या कहना चाहेंगे? इस साइड में नाला है, यहाँ गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी। गंदगी को जैसे बीमारी फैल रही है हमारी कॉलोनियों में। एक साल से हो गया ये सफाई ना हुआ, एक साल से। शिकायत करते प्रशासन से? शिकायत होती है, कोई सुनवाई नहीं है, ना शिकायत, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत खूब करते हैं, हमने कोई परवाह नहीं है किसी को भी। और क्या क्या समस्या है? पानी की परेशानी है बस, ये नाले गंदगी की परेशानी है और कोई चीज की परेशानी है। गीता, पानी के लिए परेशान है, मोल के पानी कहाँ से पियेंगे? इतना 250 का पानी आता है बिस्लरी का, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बिना नहाए धोए क्या करें, गंदे कपड़े से जाते तो बच्चे भगा देते हैं। आपने शिकायत की प्रशासन से? हाँ जी। क्या बोलता है प्रशासन? कोई सुनता ही नहीं है जी, नहीं सुनता, जाते हैं जी हम, आज ही करवा देंगे, आज नहीं कल करवा देंगे, आज नहीं कल, ऐसे बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है, गरीब आदमी की कौन सुनेगा। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना वार्ड नंबर 15 की जनता से कि वो लोग कितने परेशान हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पीछे यहाँ पानी भरा हुआ है, आवारा पशु दिखाई दे रहे हैं आपको जो कि पिन्नी खाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा कचरा कितना ज़्यादा भरा हुआ है, सड़क पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो छींटे भी आती हैं लोगों के ऊपर। कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके लेकिन प्रशासन जो है इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन हर बार झूठा आश्वासन देकर लोगों को ये कह दिया जाता है कि जल्द किया जाएगा। और यहाँ की जनता का कहना ये भी है कि सालों सालों तक यहाँ सफाई नहीं होती है, कई बार बोलते हैं लेकिन सफाई जो है यहाँ पर नहीं होती और जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश कुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।